खबरें प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ इस वक्त की खबर रायबरेली से आ रही है। रायबरेली जिले के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के रसोलपुर दारवा गांव में रहने वाली पीड़िता अशरुल निशा ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया। रायबरेली जिले के जलमऊ कोतवाली क्षेत्र रसूलपुर धरावा गांव की रहने वाली पीड़िता अश्रीन निशा के पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही शमशेर अली, शेर अली, सरताज रिजवान, सफीक और उमर पर आरोप लगाया कि उसकी गुमटी में रखा किराने का सामान बिखेर दिया और गुमटी और टीन शेड को पुलिस की मौजूदगी में उठाकर फेंक दिया, गले में रखे 3,000 रुपये भी लूट लिए। अशीरून निश्रा ने बताया कि वो एक गरीब महिला है, उसका पति बहुत ही वृद्ध हो चुका है जो चलने फिरने में असमर्थ है, जिसके नाम गाता संख्या 223 रकवा 0.55450 राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थनी की 40 साल पुरानी नींव भरी हुई है। कहां से आए, क्या मामला है आपका? हम रसूलपुर धरावा से आए हैं और डलमऊ थाना लगता है। हमारा मामला ये है, हमारी अपनी जमीन है, हमारी नींव भरी हुई है, वहीं पर हम गुमटी एक रखे थे। आज गुमटी को 6-7 साल हो गया है और गुमटी को 6-7 साल होने के बाद में हम अपना परिवार की रोजी रोटी इसी की परवरिश करते रहे। हमारी इस गुमटी से हमारा परिवार चलता रहा। हमारे आदमी 60-70 साल के हैं, ज़यीफ है, कुछ नहीं कर पाते, 2 बच्चे हैं और वो अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको पुलिस आकर ना किसी से कुछ मुँह तोड़ी, ना कुछ सवाल जवाब, कुछ भी नहीं हुआ। अचानक 100 नंबर आई है, आकर थाने के पुलिस सिपाही रहे, आकर मुझे बिना वजह लेकर गाड़ी में बिठा दी। तो हम पूछने लगे, थाने का केस है ये? डलमऊ थाने। यहाँ कहाँ आई हैं आप? हम यहाँ इसलिए आई है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही है। किस ऑफिस आई है? एसपी ऑफिस आई है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।